इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसएसबी की साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ से दिल्ली जाएगी साइकिल रैली। आपको बता दें 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी ये रैली और 25 अगस्त को गुवाहाटी से निकाली थी ये रैली। असम से राजघाट तक 2384 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी साइकिल रैली और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। 25 अगस्त को गुवाहाटी से निकली थी रैली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया है साइकिल रैली को। इस वक्त की बड़ी खबर साइकिल रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में शहीदों के त्याग से प्रेरणा ली जाएगी। यूपी में चोरी चोरा महोत्सव मनाया जा रहा है। लखनऊ से दिल्ली तक के लिए साइकिल रैली को आयोजन किया गया था। साइकिल रैली का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइकिल रैली को फ्लैग मार्च दिखाकर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। आपको बता दें कि शहीदों के त्याग से प्रेरणा ले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्या कुछ अपडेट? एसएसबी द्वारा आयोजित ये साइकिल यात्रा थी जो दिल्ली तक जाएगी और इसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फ्लैगशिप दिखा के रवाना किया गया। जी, इस दौरान कौन कौन मौजूद रहे थे वहाँ पर? देखिये, चूंकि सीएम का ही कार्यक्रम था, अधिकारी के पहले 8:30 बजे कार्यक्रम होना था, लेकिन इसमें कार्यक्रम में परिवर्तन करके ये मॉर्निंग 7:30 बजे का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि कार्यक्रम जो सीएम का, हालांकि जो कार्यक्रम होता है उसमें जल्दी चेंजिंग नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जो भी कार्यक्रम हुआ बड़ा जल्दीबाजी में हुआ। सीएम खुद फ्लैगशिप दिखा के इसको रवाना किए। जी, उसमें एसएसपी के भी अधिकारी मौजूद रहे। जी जी रजनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल यात्रा को रवाना किया है। आपको बता दें कि यूपी में चोरा चोरी महोत्सव मनाया जा रहा है।